टेस्टी दिख रहा है मसाला, ले जाके छोले खाने में काफी मजा देता है। दिवाली भी आ रही है, दिवाली में खासी मटर भूनते आ जाता है, लेकिन मटर की जो खुशबू होती है बहुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम हो गया है और सुबह होते ही बहुत अच्छी खासी धूप आ गई है मेरे तरफ और काफ़ी ज़्यादा ठंड अब पड़ रहा है। इधर डॉली से पूछा जाए क्या कर रही हो, काफ़ी अंधेरे में आ रही है। इधर खड़ी आओ डाली, अब बोलो क्या कर रही हो, धूप ले रही हो, अभी धूप को तुमको ज़रूरत पड़ गई। और इधर हम लोग का चूल्हा बन के रेडी हो गया, एकदम अच्छे से सूख गया है और लिपा गया है। अभी छठ पूजा में इसका उद्घाटन होगा, जो भी बनेगा दिखाएंगे फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे अभी धनिया बोया गया है जिसकी सफाई चल रही है। तो आज क्या बना रही हो नाश्ते में? मटर के छोले बना रहे हैं, इधर हम मटर ले लिए, आधा का बनाएंगे छोला और आधा ऐसे सिंपल खाने के लिए। सबका सर्दी जुकाम हुआ, खूब ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे। इधर मसाले रेडी है, प्याज रेडी है, हरी मिर्ची और मिर्चवानी भी बनाना है। फटाफट से पहले छौका लगा देना और थोड़ा स्पाइसी बनाना, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। सर्दी ज़्यादा हुआ है सबको, एकदम सबको खूब स्पाइसी बनाए इसको। अभी हम मसाले डालेंगे इसमें और क्या जाएगा नू, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर। नमक पाउडर नहीं होता, नमक ऑलरेडी पाउडर रहता है। ओके, तुमको भी समझ में नहीं आता? नहीं, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। और आज कल ठीक है? मारो हलचल हमेशा ठीक रहो। पहले हुआ था आपको सर्दी, फिर धरा दिया दीदी को। हाँ, पहले अनूप को सर्दी हुआ था, अनूप मेरे को धरा दिया, क्या बताया जाए। और उस दिन मैं बोल नहीं रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था सबसे पहले तुम्हें को उधार ला। अब सही बात है, तो मेरे ही पास होता है तो किसे होगा। एओ, एओ। सर्दी ना अब ये वायरल है, तो मतलब तुरंत से हो जाता है। पहले ठंडी का मौसम आई गया है, क्योंकि ठंड लग रहा है। हमारे तरफ 1% गर्मी नहीं है, पंखा लोग बंद करके सो रहे हैं। ज्यादा रोड के ज्यादा तो कहीं ना सोड़ रहे थे, लेकिन अब पंखा ही बंद हो गया है। जब पानी गर्म कर रहे हैं, तुम गर्म पानी पी लेना, ठीक है? हम भी चलते गर्म पानी पी लें, गला थोड़ा सही रहेगा, वरना सही भी नहीं रहेगा। लेकिन मटर की जो खुशबू होती है बहुत लाजवाब आती है, हमारे घर पे काफी पसंद किया जाता है। और ये महक बाहर तक जाती है, बाहर के रास्ते सीधा निकल जाता है मुंबई। कहाँ दो हरी मिर्ची चीड़ा लगा के कहाँ निकल जाता है मुंबई। खूब ज़्यादा स्पाइसी बना दिए हैं, अब खा लेना, इसमें हम डाल देंगे। गर्म पानी जाएगा क्या जी? गर्म पानी नहीं, ठंडा डाल देंगे। गर्म डाल दे तो और अच्छा रहता है। तो ये तो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा ना? हाँ। सीटी का टोपी आ गया जी, उड़िया गया तुम्हें तो सीटी टोपिया नहीं रहता है, धूपते वक्त उड़िया गया है। डॉले का काम है, वही धूपती है ना। क्या बोल रही है, तुम्हारा काम नहीं है? मजे तो तुम ही ले रही हो गर्म धूप में। सुबह नहा लिया है बेवकूफ। और क्या हो रहा है, कुछ हालचाल? बढ़िया, कोई काम धाम नहीं है? अच्छा, आवाज जाओ बनाओ, चाय बनाओ, जाओ दीदी। हे बनिया वो दोनों बना तो रहे हैं, तो उसमें नीमक का ऐसे नींबू का डाल रही हूँ। नींबू डाल के हम पियेंगे तो मैसेज मिले ना। तो इतना भरा गिलास कौन पिएगा? क्यों जी मंजू, क्या नाम है तुम्हारा? घर बन रहा है चावल का पापड़, जिसके लिए चावल को उबाला जा रहा है, इसे नमक अभी डाल देंगे और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। छत पे पड़ेगा, दिखाएंगे। और अभी चलेंगे नाश्ता करने, पहले तो बन रहा है। और इधर बना रही है, भून रही है चूड़ा। तू जी डॉली, चाय बन गया? हाँ जी चाय बना लिया। इधर मटर का छोला बन के रेडी हो गया है, प्लेन वाला। और अभी छोला भी बनेगा खाने के साथ, चावल के साथ।
बचा दिए थोड़ा सा मटर भी नाश्ता है ये। करो जी उठाओ अपना अपना। खूब ज़्यादा स्पाइसी हुए है ना मटर, खाओ। मार्केट वाला मटर मांग रहा था सर्दी जुकाम से, हमने घर पे ही बना दिया स्पाइसी एकदम। खाओ, बस यही कमी है भुजा नहीं है, भुजा जगह चूड़ा है, क्योंकि भुजा से अच्छा चूड़ा लगता है। तो अभी इधर ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मम्मी उधर चावल बदका रही है, उसका बनाने वाले हैं अभी तिलौड़ी छत पे डाल जाके। हाँ, और देखो ना मौसम इतना अच्छा हुआ था, जैसे तिलौड़ी बनना स्टार्ट हो गया वैसे मौसम बिगड़ गया, पूरा बादल लग गए, पूरा बादल लग गया, जैसे लग रहा बारिश होगा। अब अजीब तरह से मौसम हो रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा मौसम, ठंड फिर भी अजीब मौसम हो रहा है, एकदम रूखा रूखा जैसे कि लग रहा है, क्या सूना सूना से लग रहा है अजीब तरीके से। तो अभी हम फटाफट से खाना भी बनाएंगे, अभी छत पे जाना भी है, डाले आधा घंटा तो लग जाएगा तिलौड़ी डालने में। तो ये लोग खाना नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। क्यों जी कैसा हुआ मटर, स्पाइसी हुआ है? ज़्यादा स्पाइसी हुआ है? हाँ खूब ज़्यादा स्पाइसी बनाया, सबको एकदम सर्दी जुकाम था ना, इसलिए सोचे खूब तीखा बना दे ताकि एकदम गला साफ हो जाए। तो दोस्तों ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इधर अभी बॉयल हो रहे हैं छोले, इधर प्याज मिर्ची टमाटर कट गया है, और इतना सारा मिर्ची हम डालेंगे छोले में, तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। इधर मसाले हैं मिर्चवानी के लिए, इधर छोले के लिए, काफ़ी मिर्चवानी मेरे घर पसंद किया जा रहा है, बना था सब हरी खा ख़त्म कर दिया, और ये फटाफट से बनाते हैं। कितना छोले डालोगे क्या? हाँ पूरा छोले डालेंगे, कुछ कुछ बनाएंगे तुम खाओगे। सही बताओ। हाँ जी अच्छा हो गया, एकदम गल गया, बनने के लिए तो बन गया है, चाय के साथ खाने में काफ़ी मज़ा देता है। दिवाली भी आ रही है, दिवाली में बनाएंगे खाएंगे, लेकिन मौसम एकदम बिगड़ गया, सुबह बहुत तेज धूप था, और भगवान जी जान जाते हैं इसके घर कुछ अच्छा काम होने जा रहा है तो बिगड़ देते हैं। देखो उधर पूरा अंधेरा हो गया है। हाँ एकदम बादल काले खड़े। और अभी हम तिलौड़ी डाल दिए होते लेकिन वेट कर रहे हैं थोड़ा मौसम सही हो, क्योंकि बंदर भी मेरे तरफ आए तो पता चलेगा सब बंदर में खा लेंगे। तुम तो कह रहे थे मिर्चा छोले में डालेंगे। हाँ छोले में पड़ जाएगा तो तुम भी होते जाओगे इतना खा के मिर्चा। यहाँ भी हम मिर्चा फ्राई करेंगे 2 चम्मच तेल में, जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर दी हूँ, और इधर मैं प्याज भून रही हूँ अभी। इसमें गया सरसों का मसाला, जिसमें सरसों लहसुन पीसा हुआ था, बस सरसों पीली वाली और लहसुन पीसा गया था, हल्दी नमक डाल दिए हैं, अब इसको भूनेंगे, खासी मर्चा भूनते आ जाता है। तो अभी ये पकेगा, जिसमें अभी हम पानी डाल देंगे, मर्चा पहले ही भून गया था 5 से 7 मिनट, अभी इधर ये पक रहा है तो हम सब्जी में फटाफट छौका लगा लेते हैं। इधर भी मसाला भून गया है, इसमें डाल देंगे, और इसमें था लहसुन मिर्ची लाल मिर्ची लहसुन और खड़े गर्म मसाले जितने भी होते हैं सारा मिक्स था। तो आप लोग पूछते रहे कि दीदी बताते भी जाइएगा, तो हम सोच रहे बता दें, हल्दी पाउडर डाल देंगे, काफ़ी बार शेयर किए हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, काफ़ी लोग नया जुड़ते हैं। तो टेस्ट का नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, तुमको सब याद हो गया है नहीं? हाँ। ये मसाले भून रहे हैं, उधर मिर्चवानी भून रहा है, इधर छोला बॉयल हो गया, इसी में आलू छील के डाल दिए थे, अभी भी बॉयल हो गया, इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसमें इधर मसाला तेल अलग हो गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है मसाला। अब फाइनली जाएंगे छोले, और हमारे घर पे छोले काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं दोस्तों, हमेशा बनता है। हरी मिर्ची 2 डाल दिए, इसको अब ढक के पकाएंगे। इधर मिर्चवानी बन के रेडी हो गया है, थोड़ा सा और सूख जाए फिर इसमें हम नींबू डाल देंगे, नींबू काट के लाल दी डाली। तो मिर्चवानी बन के चावल रख दिए हैं, इधर छोले बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं कलर कितना मस्त आया है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं अपनी छत पे हूँ, मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है लेकिन हवा अच्छी चल रही है, थोड़ा थोड़ा धूप लग रहा है। तो यहाँ पे डोली आ गई है तिलौड़ी डालने, खाना बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, सब कुछ बन गया है, चावल बन रहा है,
और अभी हम लोग खाना लेट से खाएंगे, तब तक तिलौड़ी डाल दें। अभी तो नाश्ता किए थे एक घंटा डेढ़ घंटा पहले, 12 बजे आधा घंटा कम है तो 12 बज जाए फिर हम लोग चलेंगे। बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है छत पे, थोड़ा अंदर से धूप है और हवा चल रही तो अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इधर हम तिलौड़ी डालने आ गए हैं। तो तिलौड़ी ऐसे कुछ पड़ता है, कोई भी शेप दे दो अपने हिसाब से, ए बी सी डी से मर गया है, ए से जेड तक कोई भी शेप दिया सकता है। देखिए दोस्तों इधर अपने नेम का मैंने बनवाया है ए, अभी डॉली का भी नेम इसमें होगा। इधर सारा तिलौड़ी पड़ गया है, जो भी सेब दे रहा था वो जल्दी दे दिए हैं। और इधर अभी इतना बच गया है, अभी एक और पॉलिथीन गई है डॉली लेने, अभी आ जाएगा तो डालेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं, और इसको छान के किसी दिन ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। अब ये 3-4 दिन में सूखेगा। तिलौड़ी इतना ज़्यादा और तुम लोग पका लिए हो कि थोड़ा ही चाह रहा था, कम हो जा रहा है पॉलिथीन। और मौसम देखो कैसा हुआ है, मौसम देखो कितना मस्त खूबसूरत हुआ है, ठंडी नहीं है गर्मी है, मौसम तो बहुत लाजवाब हुआ है, हवा भी एकदम मस्त चल रही है। मस्त इस हवा में ना पिकनिक मनाने में ना बारह मजा दिएगा। पिकनिक मनाया था तो 1 जनवरी को, कहियो मना लो तुम्हारे ऊपर है, सारा गांव पाक गया है। और इधर नीचे लिपाइयां चल रही है घर की, अभी एक दिन और लिपाई हुई थी, आज भी लिपाई होगी। आप लोग देख सकते कितना ज्यादा खूबसूरत आंगन लग रहा है, इतना बस है, इसको भी जल्द साफ हो जाएगा, वो भी जल्द साफ हो जाएगा। दोस्तों बहुत सुंदर आंगन बनाए हैं। जाओ जी ले आ दो, क्या मांग रहे, जाओ जल्दी ला दो। और ये देखो कटरन कितना अच्छा लग रहा है देखने में। किसी भी सोच रहा है ना गौरी यहाँ पे कटरन का घर छवा देगा, बड़ी अच्छा हवा आता है, बारिश आएगा तो बड़ी मजा देगा। अच्छा लेकिन जब से ये छवाया है तब से बारिश नहीं आई है, अब आएगी बारिश, मौसम चेंज हो गया है, कितना बड़ा चक्की। इधर मिर्च वाले आप देख सकते हैं, इधर छोले चावल और प्याज मतलब सैलड मिर्चवानी, रात तो खाने में मजा ही आएगा, काफ़ी वैरायटी खाना हो गया, सबके प्लेट में लग गया है। थोड़ा सा सैलड है, थोड़ा सा मिर्चवानी है, छोला चावल सैलड मिर्चवानी, इधर सब लोग बैठ गए हैं। कैसे हुए छोले चावल, मस्त मिर्चवानी तुमको बहुत पसंद है ना, ये बात तो खत्म किए थे फिर दोबारा बना दिए, खाओ अच्छा। सैलेड के साथ तो सच में छोले अच्छे लगते हैं, ऊपर से उसमें काला नमक और नींबू डाल दिए हैं, उससे और ज्यादा टेस्ट बढ़ गया है। क्या होगा लार्ज सुजारा किसका है? नहीं जी मिर्चवानी आज बना लेगा, तीत लगेगा, अभी एक दिन बाद नहीं तीत लगता है, तीखा मतलब। तो दोस्तों ये लोग खाना खा रहे हैं, हम भी चलते हैं खाना खाते हैं। आपको रेसिपी आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और हम लोग तिलौड़ी डाल दिए धूप में, धूप का कोई ठिकाना ही नहीं है, होगी नहीं होगी पता नहीं, आई डोंट नो, तो देखते हैं जो भी होगा, और छानेंगे तो उसको दिखाएंगे। तो अभी हम भी चलते हैं खाना खाते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा खाना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।